हेलो एवरीवन वन एफ आई फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट वन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ड्यूल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मैं डॉक्टर शकीब अहमद असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स एम जी वी आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी इस प्रेजेंटेशन में आपको वेलकम करता हूँ ड्यूल का मतलब होता है डबल आस्पेक्ट का मतलब होता है देखना एंड कॉन्सेप्ट मीन्स आइडिया तो बेसिकली हर ट्रांजेक्शन में इन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन देर मस्ट बी टू आस्पेक्ट देर मस्ट बी टू थिंग्स कम से कम दो बातें हैं इसी दो ड्यूल आस्पेक्ट के बेस पर हम डबल इंट्री सिस्टम जो हमारा बुक कीपिंग है वो इसी पर बेस किया हो गया है तो डबल इंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है वो ड्यूल आस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर ही बेस है कि हर ट्रांजेक्शन में देर मस्ट बी मिनिमम टू थिंग्स जो भी हम लेन देन करते हैं जो भी हम व्यवहार करते हैं मिनिमम बोल रहा हूँ मैक्सिमम हो सकता है दो से ज़्यादा तो मिनिमम टू थिंग्स कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और उन एग्जाम्पल्स से देखते हैं कि ये ड्यूल कैसे तो फर्स्ट इट इंक्रीजेज़ वन एसेट एंड डिक्रीज़ेज अनदर एसेट सपोज़ मैंने पचास हज़ार रुपये का फर्नीचर परचेज़ किया तो फर्नीचर जो मेरे पास आया ये इंक्रीज इन एसेट हो गया और मेरे पास से जो पचास हज़ार रुपए गए दैट विल भी डिक्रीज़ इन एन एसेट हो गया तो इस तरह से ये दोनों बातें हम रिकॉर्ड करेंगे वो जो फ़र्नीचर आया वो भी रिकॉर्ड करेंगे और जो कैश गया वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में नेक्स्ट एग्जांपल इट इंक्रीजेज एन एसेट एन साइमल्टियसली इंक्रीजेज अ लाइबिलिटी सपोज़ मैंने बैंक से कर्जा लिया मैंने कर्ज़ा लिया एक लाख रुपये का तो ये जो एक लाख रुपये मेरे पास आए ये मेरे लिए एसेट है वेर हैज़ जो मेरा बैंक का देना अब बन गया जो मेरा लोन अब क्रिएट हुआ लाइबिलिटी इट्स इंक्रीज इन लाइबिलिटी हो गया नेक्स्ट डिक्रीज एन एसेट डिक्रीज इन लाइबिलिटी अभी जो मैंने कर्ज़ा लिया था वह एक लाख रुपए का सपोज उसमें से मैंने ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ रीपे कर दिया तो ये जो रीपेमेंट के लिए मेरे पास से कैश गया ये डिक्रीज इन एसेट है और जो लाइब्रेरी में भी जो डिक्रीज़ हुआ क्योंकि अब मेरा देना सिर्फ सेवेंटी फाइव थाउजेंड रिमेन रहा तो ये जो लाइब्रेरी में डिक्रीज़ है तो मैं इन दोनों आस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करूंगा आई विल रिकॉर्ड बोथ द आस्पेक्ट्स इन बुक्स इट इंक्रीजेज एन एसेट एंड साइमल्टेनियसली इंक्रीजेज अ कैपिटल तो ओनर जब व्यापार में इन्वेस्ट करता है तो उससे कैश इंक्रीज़ होता है सपोज ओनर ने व्यापार में बिजनेस में पचास लाख रुपए लगाए तो ये जो पचास लाख रुपए बिज़नेस में ओनर ने लगाए ये एसेट इंक्रीज़ हुआ ये एसेट आया बिजनेस में वेर एज़ कैपिटल में भी इंक्रीज हुआ इंक्रीज़ इन कैपिटल भी है ये ठीक है नेक्स्ट जो है डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज़ इन कैपिटल एसेट में डिक्रीज़ कैपिटल में डिक्रीज अब अगर सपोज ओनर ने विड्रॉ किया एवरी ईयर सपोज ओनर एक लाख रुपए विड्रॉ करता है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए तो ये डिक्रीज़ इन एसेट है और जो कैपिटल में डिक्रीज हुआ ये डिक्रीज इन कैपिटल जो ओनर ने पचास लाख रुपये लगाया था उसमें से ये एक लाख रुपया वो ले कर गया इस तरह से तो डिक्रीज इन कैपिटल है एक्सपेंसेस और इनकम ये जो दो चीज़ें हैं तो एक्सपेंसेस और इनकम में भी हम यही ट्रीट करते हैं अल्टीमेटली जो एक्सपेंस और इनकम का नेट रिज़ल्ट होता है वो हम कैपिटल में देते हैं जो प्रॉफिट और लॉस के उसमें हम करते हैं तो इनकम माइनस एक्सपेंस कर जो नेट इफेक्ट हम करते हैं कैपिटल में उसको इफेक्ट करते हैं और एक्सपेंस अगर है तो एसेट में डिक्रीज होगा इनकम अगर है तो एसेट में इंक्रीज़ होगा इस तरह से तो यहाँ पर बताने का पर्पज़ सिर्फ यही है कि इन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन देर मस्ज बी ड्यूल थिंग्स देर मस्ट बी टू थिंग्स एंड वी हैव टू रिकॉर्ड बोथ द थिंग्स इन अवर बुक तो जो डबल इंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को हम फॉलो करते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर फॉलो करते हैं तो आई होप आज का प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा थैंक यू